हाय गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे आप सभी? आई हो आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ की कृपा तो आप सभी पे ही। और सब कैसे हैं आप? अर्चना ब्लॉग में आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। बस देख सकते हैं मौसम कितना बेहतरीन, बदल बदल देख सकते हैं, एकदम अंधेरा टाइप का हुआ है, एकदम अंधेरा। तो बारिश होने वाली है, बारिश भी हो ही रही है, देख सकते हैं। रिमझिम देखिए, हल्का फुल्का हो रहा है। और गाइस कैसे हैं आप सब? बस आज फ्लावर भी नहीं तोड़े, देख सकते हैं मेरे फ्लावर, हमें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है हमको। अभी सब सोया हुआ है, चलते हैं किचन में। बारिश हो रही है, कपड़े डले हुए देख सकते हैं। हम आ गए अपने किचन में, पर किचन में कुछ भी नहीं, कुछ भी अभी आज कोई काम नहीं हुआ है। पता है कि इसलिए कि अभी कोई उठा ही नहीं है आज, देख सकते हैं। सब बर्तन वर्तन भी आज रख दिए हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कुछ सब्जी वाले आएंगे तो सब्जी लेंगे। आलू ख़त्म हो गया, सब्जी में कुछ नहीं है। कल जाना था तो कल नहीं जा पाए, तो हमने कहा चलो आज जाते हैं। तो मौसम इतना बेकार है कि मैं क्या बताऊँ, एकदम बिल्कुल काला बादल है। तो बारिश हो गई, तो देखते हैं जैसा भी हो सब्जी वाला आता है, सब्जी वाला तो आएगा ही आएगा, तो लेते हैं। ओके, बने रहिए आप सभी मेरे ब्लॉग में। हाय गाइस, देख सकते हैं हमने क्या लिया है। 1 kg ककड़ी ले लिए, 1/2 किलो आलू ले लिए, उसके पास आलू नहीं था, और 6 नींबू लिए हैं। ये धनिया लिए हैं, 1/2 पाव धनिया ले लिए हैं, और ये 1/2 kg बैंगन और 1 kg भिंडी ले लिए हैं, देख सकते हैं। और जैसे हम सब्जी लिए हैं वैसे देख सकते हैं बारिश, इतना तेज़ बारिश। माई गॉड, मैं आपको दिखा रही हूँ, जल्दी जल्दी कपड़ा उठाएँ बाहर से, तो यहाँ कपड़ा रख दिए हैं, देख सकते हैं। माई गॉड, मैंने बोला था इतना काला, इतनी काला बदल था कि वाह, देख सकते कितना तेज़ बारिश, कितनी तेज बारिश आई है। सच काला था ना, बिल्कुल अंधेरा था जब हमने मॉर्निंग में वीडियो बना रहे थे आपके साथ, तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, देख सकते हैं। तो मैं बंद कर दी इसको, तो गॉड कितनी बारिश हो रही। अब चलते हैं, बारिश तो हो ही रही है, अब चलते हैं खाना। खाना बनाते हैं कुछ, सब्जी ले ली, सब्जी नहीं था तो मार्केट नहीं गए, इसीलिए गाइस ना सब मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, बारिश का, कब बारिश आ जाए कब क्या। देख सकते हैं इधर पीछे भी कितनी बारिश हो रही है, अब क्या खोलें। चलते हैं कुछ बनाते हैं, क्या बनाएं सोच रहे हैं, अब बादी से पूछ के आएंगे क्या बनाते हैं। ओके, फिर आपको दिखाते हैं। आज दाल बनाएंगे, तो आज दाल मूंग और क्या, मूंग और अरहर की दाल है, जा रहे बनाने। अब ये दाल में डालेंगे काट के, इसको हमने चॉप कर लिया बारीक से। अब ये हल्दी है और नमक है और हींग है, इसको दाल में डालते हैं। इसको डाल दिए हमने नमक हल्दी को। अब टमाटर मिर्ची, अब इसको भी दाल में डाल दें, अब इसको भी हमने डाल दिए। अब इसमें थोड़ा सा, अब थोड़ा सा मैं सरसों का तेल डाल दिए। अब हम सीटी लगा दिए, 3-4 सीटी ये हो जाए। गाइस देख सकते हैं भूख लगी है, तो बिस्किट खा रहे हैं। मारी वर्ल्ड, अभी तक खाना नहीं बना, अब खाना बना रहे तो बिस्किट से पेट भर ले गाइस, बिस्किट से पेट भर रहे हैं। बताइए बिस्किट से पेट भरता है लेकिन हम भर रहे हैं। गाइस देख सकते हैं ये मैं बैंगन की भुजिया सब्जी बनाने जा रहे हैं। ये टमाटर है, आलू है, बैंगन है, मिर्ची है, और देख सकते हैं ये मसाला लिए हैं, ये गरम मसाला, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये नमक है, और ये अदरक, और क्या बोले लहसुन को मैंने कुछ लिया है, 1/2 अदरक, ज़्यादा नहीं लिए, 1/2 अदरक लिए हैं, इसको हमने कुछ लिए। ये सरसों का तेल है, अब चलते हैं पैन में डाल। ये हमने सरसों, देख सकते हैं मेथी और जीरा लाल हो गया है, मेथी जीरा डाले हैं। अब इसी में अदरक और लहसुन का पेस्ट वो डाल देंगे कुचा हुआ, देख सकते हैं डाल दिए। अब इसको हम चला लेते हैं, भून लेते हैं, देख सकते हैं। अब इसी मिर्ची, अब इसी मसाला भी डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे,
लहसुन ज़्यादा भुन जाता है ना तो वो टेस्ट नहीं रहता है, वो तो मसाला सब खुद भुन जाएगा। अब हम इसी में बैंगन जो काटे हैं वो भी डाल देंगे। लेकिन ऑयल गर्म रहता है तो मसाला तो खुद ही भुन जाता है ऑयल गर्म में, पाउडर तो होता है ना उसको जलाने की जरूरत ही। अब हम इसी में बैंगन डाल देंगे। अब हम इसमें आलू भी डाल देंगे। अब हम इसको चला लेंगे अच्छे से, देख सकते हैं इसको हमने चला दी। अब हम इसमें नमक भी डाल देते हैं, देख सकते हैं देखिए नमक जल्दी से गला देगा ना, ताज़ा साल्ट थोड़ा तेज रहता है नमक। अब हम इसी में टमाटर भी डाल देंगे, देख सकते हैं टमाटर कुछ ज़्यादा ही हम डालते हैं। अब इसको हम चला दें, अब हम इसको चला दें, अब हम इसको ढक देते हैं धीमे आंच करके। पानी वानी नहीं डालना है, भुजिया सब्जी है ना दाल के साथ में, तो हम इसको ढक देते हैं। अब कम से कम ये 10 मिनट तो लग ही जाएगा धीमे आंच पे पकते पकते। अब इसको आराम से बस खोल खोल के चला देना है, देख सकते हैं सब्जी कितना बढ़िया पक गया है। इस देख सकते हैं मेरा खाना तैयार हो गया। ये दाल बना दिए, आज प्याज वासनी सिर्फ घी जीरा और लहसुन ही से फ्राई किए हैं, देख सकते हैं दाल ही बना लिए हैं। और ये सब्जी बैगन का आपने देखा ये बना लिए, उपाध्याय जी का ये चावल बना लिए हैं, और ये सब्जी है ये तो ऐसे ही है। ये देख लीजिए उपाध्याय जी की थाली तैयार हो गई है, घी से लिपटी हुई रोटी भी है। अब चिल्ला नहीं रहे तो इसलिए दे रहे हैं, नहीं तो जिस दिन चिल्लाएंगे नहीं देंगे बंद कर देंगे। तो ये सब खाना है मेरी, सब तैयार हो गई है, किचन उचन सब साफ है। शिक्षक उपाध्याय जी को मैं खाना दे के आती हूँ। गाइस मम्मी क्या बना रही हो? बना रहे हैं भिंडी की सब्जी और रोटी। बन गया? हाँ बन गया, भिंडी की सब्जी बना है। मसाला आपने डाली होगा कोई नहीं, भी नहीं, मसाला नहीं अच्छा लगता, सिंपल बनाए हैं। मसाला हो जाता है एक टाइम, मसाला हो जाता है एक टाइम सिंपल। चलो ठीक है, बाय कह दो आप सबको। राधे राधे, हर हर महादेव, गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।